उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गोलीकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी देहरादून में हुए गोलीकांड में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य 2 घायल है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें, बीती रात देहरादून के नेहरू ग्राम के डोभाल क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, वो आरोपी की तलाश में नाकेबंदी करी। इसके संबंध में बताते हुए SSP देहरादून अजय सिंह ने बताया कि आरोपी अभियुक्त अपनी कार से आशा रोड़ी की ओर भागे। जब पुलिस के द्वारा उनको पकड़ने की कोशिश की गई, तो वह बैरिकेडिंग तोड़कर जंगल की ओर भाग गए। फिलहाल 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। मामले की जानकारी करने में मालूम हुआ है कि ये सभी लोग आपस में गाड़ी सेलिंग और प्रॉपर्टी का काम किया करते थे। इनमें किसी प्रकार का कोई आपसी रंजिश भी नहीं थी। इनमें एक गुट द्वारा अपनी गाड़ी लेने को लेकर भारद्वाज के पास पहुंचे। यहां पर उन्हें संदेह हुआ कि उनको जान से मारना चाहते हैं। ऐसे में भारद्वाज के साथ के लोगों ने गोली चला दी और रवि बुडोला व 2 साथियों मनोज नेगी सुभाष छेत्री के गोली चलाई, जिसमें रवि बुडोला की मृत्यु हुई। बाकी अन्य 2 को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य 2 फरार चल रहे। मामले में आगे पूछताछ जारी है। देहरादून से DCP न्यूज के लिए जसपाल राणा की खास रिपोर्ट। प्राप्त हुई थी पुलिस को कि डबाल चौक के पास कोई फायरिंग की घटना हुई है और इसमें 2 लोग इंजर्ड हुए हैं। जिस इंजर्ड को तत्काल अस्पताल, जो उनके जानने वाले थे, तत्काल ले गए। यहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई थी। समस्त जानकारी से पता चला कि जो अभियुक्तगण थे जिनके द्वारा फायर किया गया, वो एक कार से, जो कार नंबर दिया गया था वहाँ पर, उस कार से फरार हो गया। चूंकि सूचना तुरंत फ्लैश हुई थी तो उस कार का ट्रेस आउट किया गया। जो कार आशा रूढ़ी बैरियर तोड़ने के बाद आगे पुलिस पर रोकने के दौरान वो जंगलों में भाग गए थे, उस जिनकी कॉम्बिंग लगातार की गई और अभी तक वो उनकी अरेस्ट नहीं हो पाई। अन्य जो घटनाक्रम, जो मौके पर घटनाक्रम हुआ था, उस पर जानकारी में पता चला कि ये 10-12 लोग का एक ग्रुप है जो यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम, गाड़ियों के खरीदना बेचना या अन्य जो ब्याज पे काम करते हैं, और सभी लोग एक दूसरे से परिचित हैं। इनमें बीच में कभी ऐसी कोई रंजिश की बात या कोई ऐसी शिकायत थाने पर आई होगी, इन पर कोई ऐसी बात हो, तो कहीं कोई प्रकाश में नहीं आई। इसमें एक ग्रुप अपनी गाड़ी को लेने के लिए, जिसमें मृतक पक्ष है रवि बुटोला जी हैं और उनके साथ जो छेत्री सुभाष छेत्री और मनोज नेगी करके, जो 2 इंजर्ड हुए हैं, ये लोग अपने दोस्तों के साथ अपनी एक गाड़ी जो टाटा की थी, वो एक शंभू यादव नाम के व्यक्ति के माध्यम से, जो हमारा क्यूज अभी जो पकड़ा गया है मनु भारद्वाज, इसके थ्रू वो सेल की बात पता चली। वो अपनी गाड़ी को लेने यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन इसी दौरान किसी ने बात फैला दी कि आज इकट्ठा होकर कुछ हमले की बात हो रही है, और जिस पर तत्काल जो हमारे एक्यूज्ड, अभी 3 लोगों को डिटेन किया गया, उसमें से जो रामवीर करके एक मेन अभियुक्त है जो पैरोल पर अभी चल रहा है, जो मुजफ्फरनगर का है, साथ ही साथ इसमें नाम आया मनीष का, जो अभी तक पता चला गैर प्रांत कहीं बिहार का रहने वाला, ये लोग यहाँ पर आए थे और इनके द्वारा इसको बाहर निकल कर आवेश में आकर, चूंकि ये लोग कहीं बैठ के पार्टी कर रहे थे, लगातार बिना सोचे समझे जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिससे 2 लोग इंजर्ड हुए जो अभी खतरे से बाहर है। एक रवि बुटोला जी हैं जिनकी रात को तलाश की जा रही थी, लेकिन वो रात को नहीं मिली। आज सुबह एक खाली प्लॉट के पास नाले में उनकी डेड बॉडी मिली थी, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम क्लियर हुआ कि गोली लगने के बाद वो जान बचाने के लिए जब वहाँ से गए, तो कहीं ना कहीं रात के अंधेरे में गिरने के कारण वहाँ पर गोली के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो अभी इसमें 3 लोगों को डिटेन कर लिया हिरासत में, इसमें केस रजिस्टर्ड कर लिया। 2 जो इंजर्ड हैं वो भी खतरे से बाहर, इनका ऑपरेशन और अन्य प्रक्रिया चल रही है। और समस्त इसमें अभी मुझे लगता है कि जो अभी जानकारी से आई है, इसमें करीब 6 से 7 लोग थे जो अभी इसमें घटनाक्रम में शामिल पाए गए।